ये वीडियो ब्लैक एंड वाइट है, इसमें दिखाऊंगा दो जानवर, वाइट एंड ब्लैक, मेरी पसंद के। म्यूजिक भी होगा, शौक भी होगा, और जो मेरा फेवरेट शौक है वो होगा। तो चलिए करते हैं इसको रंगीन। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप दोस्तों? वाइट बहुत सारे हमारे भाई पसंद करते हैं, और वाइट असील रखने भी चाहिए घर में, असील हो या कोई भी वाइट मुर्गा रखने चाहिए, ये बड़े बाबरकत जानवर होते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था आज से करीब कोई 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि भाई साहब आपको ब्लैक पसंद है तो आप वाइट रख के देखें, ये बड़े खैर बरकत वाले जानवर होते हैं। तो वाकई मेरा तजर्बा है कि ये बड़े खैर बरकत वाले जानवर होते हैं। ज़रूरी नहीं असील हो, कोई भी ब्रीड हो, आप वाइट जानवर ज़रूर रखा करें घर में, आप यकीन करें बड़ा मज़ा आता है इनको रखने का। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, काफ़ी बड़े साइज़ में ये बर्ड है, और मेरा पसंदीदा बर्ड है, और इसकी और मेरी दोस्ती भी बड़ी है। अभी जब पूरी क्रीच कर लेते हैं ना, फिर इनके पूरे पर सीधे हो जाते हैं। तो इनके पर ऐसे ही होते हैं जैसे सूखे पत्ते झड़ते हैं ना, नए पत्ते आते हैं, इस तरह फिर इनके पर होते हैं। चलें इसके बाद आपको एक, आपको तो मैंने कहा था एक दिखाता हूँ, आज दो दिखा देता हूँ आपको, एक ब्लैक भी दिखाता हूँ इसके बाद, वो भी मेरा पसंदीदा बर्ड है और बड़ा ही प्यार करने वाला बर्ड है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आज ब्लैक एंड वाइट ही काम हो जाएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा शौक करने का। तो ये शौक हमारा ऐसा है, हमारा 20-25 साल पुराना शौक है, ऐसे नहीं है फर्लू शौक नहीं हमने रखा, जैसे फसली बटेरे होते हैं ना, वो सीज़न में आ जाते हैं और जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, हमारे पास ऐसा नहीं होता। हमारे पास जो बर्ड्स हैं शुरू से वही बर्ड हैं, ना कोई बाहर जाता है ना कोई बाहर से अंदर आता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्लैक, चेक करें, इसको बोलते हैं सील, प्योर पाकिस्तानी सील ये होते हैं भाई, चेक करें क्वालिटी। मैं ज़्यादा दिखाता नहीं होता इनको, लेकिन मैं आज आपको दिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप भी। आपने मुझे पता इससे ज़्यादा ज़्यादा अच्छे देखे होंगे, लेकिन भाई मेरे लिए यही अच्छे हैं, चेक करें, बेल बंदर चेक करें, लाम चेक करें, दुम चेक करें, सरिये चेक करें। Oh, my God.
इस तरह के जो बर्ड होते हैं ना, यकीन करें दिल करता बंदा देखते ही उसको। अभी ये अपनी क्रीच के आखिरी मराहल में है, अभी इससे क्रीच पूरी नहीं की। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानवर अच्छे लगे होंगे। ये दो बर्ड जो मैंने आपको दिखाए हैं ये मेरी पसंद के बर्ड हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।